हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइमलेस या कालातीत की। आप लोगों ने सुना होगा कि वो कालातीत है, वो टाइमलेस है, टाइम के बाहर है। और पहले मुझे ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज करती थी, थोड़ी फैसिनेट भी करती थी। मुझे लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है जो ब्रह्मांड के बाहर बैठी हुई है, इसलिए यूनिवर्स के बाहर बैठी हुई है, इसलिए उसको कालातीत या टाइमलेस बोला जाता है। बट यूनिवर्स तो हर जगह फैला हुआ है ना, ब्रह्मांड हर जगह फैला हुआ है। और आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करोगे, उस डिस्टेंस को कवर अप करने में आपको टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। तो वो कालातीत तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तक हमें यूनिवर्स का एक्सपेंशन पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है। और जो लोग स्पेस में गए हैं, उन लोगों के साथ अगर आप बात करोगे, उनके इंटरव्यूज़ अगर आप देखोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें गोल हैं, यानी प्लैनेट्स गोल हैं, गैलेक्सीज गोल हैं, और यूनिवर्स जो है वो वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो अगर आप ऊपर जाएंगे और इस यूनिवर्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको फेस आएगी वो यही आएगी, आपको यही नहीं पता कौन सी चीज़ें कौन सी जगह अप है, कौन सी जगह डाउन है। क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं, यहाँ पे तो धरती है, आप धरती के ऊपर खड़े होके और ऊपर की तरफ देखकर अर्थ के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि आसमान ऊपर है। लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पर कोई फ्लैट सरफेस है नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि नीचे देख रहे हैं। आपके लिए सारी चीज़ एक, आपके लिए सारी डायरेक्शंस एक जैसी हैं। और ऊपर से ये बहुत बड़ा भी है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट भी है, और ये फैलता भी जा रहा है। साइंस हमें बताती है कि ये हर सेकेंड, हर घड़ी, जिस समय मैं बात भी कर रहा हूँ, उस समय भी ये फैलता ही जा रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है। चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जा रही हैं, प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर हम कोई ऐसी जगह खोजने की कोशिश करें जहाँ पर वो बैठा हुआ है, तो आप अगर यूनिवर्स के बाहर खोजने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंपली दिस इज ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते जाएंगे, उतना ज़्यादा, मान लीजिए पहली चीज़ तो यहाँ पर हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो है वो 2 लाखों किलोमीटर दूर है, छोटी से छोटी चीज़ भी लाखों किलोमीटर दूर है। और जितना हम इंसान अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, हम उतने तुर्रम खां हैं नहीं। हम फिज़िकली तो किसी भी तरीके से इसे पार नहीं कर सकते हैं, हम अपने सोलर सिस्टम को पार नहीं कर सकते, गैलेक्सी को पार करना तो भूल जाओ, करोड़ों साल का समय लगेगा। और किसी भी इंसान के पास इतना समय है ही नहीं कि वो करोड़ों साल तक जिंदा रह सके, अभी तक कम से कम। साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये कहा जाता है कि वो कालातीत है, वो टाइमलेस है, तो डेफिनेटली वो कहीं यूनिवर्स के पार तो नहीं बैठा हुआ। और ये चीज़ हमें साइंटिफिकली समझ में आती है ना, कि जितनी डिस्टेंस आप कवर अप करोगे, उतना टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ टाइम घट तो रहा नहीं है, टाइम तो बढ़ ही रहा है। जितनी डिस्टेंस आप ट्रैवल करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको समय भी लगेगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को कम करता चला जाऊँ, इस दूरी को मैं कम करता चला जाऊँ, तो टाइम घटने लगेगा। विपस्सना में एक टेक्निक है जिसमें हम अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाते हैं। सांस आपकी जो ब्रेथ है वो आपके सबसे नज़दीक है, लेकिन जब आप अपनी ब्रेथ के ऊपर भी कंसंट्रेट करते हैं और ब्रेथ को भी देखते हैं, तो अगर आप अपनी ब्रेथ को महसूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब स्टिल देर इज अ डिस्टेंस, उसको महसूस करने में आपको कुछ समय जाता है। यानी जब तक आप उसे महसूस कर पाते हैं, तब तक वो ब्रेथ पुरानी हो जाती है। तो
आप कहें कि आप उसे प्रेजेंट मोमेंट में महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप उसे प्रेजेंट में मोमेंट में ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी हो चुकी है। तो अगर किसी तरीके से आप इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करके ज़ीरो कर पाएँ तो आप प्रवेश कर जाएंगे टाइमलेस के जोन में, कालातीत के दायरे में आप आ जाएंगे। और क्योंकि कालातीत आप ही हैं, आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढने जाना है। जो लोग गलती कर रहे हैं या जो दुनिया गलती कर रही है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, वो यही कर रही है कि वो बाहर ढूंढ रही है। लेकिन बाहर आप कुछ भी ढूंढने जाएंगे उसमें समय लगेगा। वो हो सकता है बदलाव का समय हो सकता है दूरी का समय हो, लेकिन समय लगेगा। लेकिन जब कहा जाता है कि वो कालातीत है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप में उसे ढूंढिए, क्योंकि आप अभी हैं। आपको अपने से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी से मिलना है तो आपको समय लगेगा उसके पास तक पहुंचने में, क्योंकि आपको एक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, भले ही वो आदमी आपके बाजू में क्यों ना रहता हो या आपके बाजू में ही क्यों ना खड़ा हो। कुछ समय तो लगेगा दूसरे से इंटरेक्ट करने में, लेकिन अगर आप अपनी ही बात कर रहे हैं तो आप तो अपने पास पहले से ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने ही पास पूरे तरीके से आ जाते हैं तो आप समय के दायरे से बाहर आ जाएंगे, आप बदलाव के दायरे से बाहर आ जाएंगे। और समय का हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि सब चीज़ें बदल रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो बदल रही हो वो आप नहीं हो सकते। तो अगर आपको उसके पास पहुंचना है, आपको उस तक पहुंचना है, तो आपको खुद के पास आना सीखना पड़ेगा। इस दूरी को कम कीजिए। जैसे जैसे आप इस दूरी को कम करेंगे वैसे वैसे समय आपके लिए समाप्त होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने पास रह पाएंगे, जितनी देर तक आप अपने पास रह पाएंगे बिना विचारों के, बिना बीच में किसी भी तरह के विचार लाए अपने आप से बात किए, उतनी देर आप अपने साथ हैं, यानी उतनी देर आप कालातीत के पास हैं। क्योंकि आप ही हैं कालातीत, आप ही हैं टाइमलेस। आपके अलावा हर चीज़ टाइम में चल रही है, क्योंकि हर चीज़ बदल रही है। समय का मतलब ही है बदलाव। और आपके अलावा कोई भी चीज़ जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे वो बदलेगी, यहाँ तक कि आपका शरीर भी। आपके और आपके शरीर में एक दूरी है, आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं ना अंदर से। जिस भी चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं उसमें एक दूरी है, क्योंकि जैसे ही ये दूरी ख़त्म होगी उस समय आपको समय का भान नहीं रह जाएगा, आपको समय महसूस नहीं होगा। जैसे सोते वक्त आप में और आपके शरीर में और आपके विचारों में कोई दूरी नहीं रह जाती, सब कुछ एक जगह आ जाता है, सब कुछ एक जगह मिल जाता है। इसलिए कोई एक्सपीरियंस करने वाला होता ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ कोई सेपरेट मैं नहीं होता जो एक्सपीरियंस कर रहा हो। आपको कभी सोते हुए ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सो रहा हूँ। अगर आपको ये ख्याल आ गया कि मैं सो रहा हूँ तो समझ लीजिए आपकी नींद टूट चुकी है। आप तब तक ही सो सकते हैं जब तक आप सोने के प्रति अवेयर नहीं हैं। और विचार एक तरह की दूरी है। अगर विचार आ गया तो दूरी आ गई, और दूरी का पता चलते ही आप फिर से समय के जगत में आ जाते हैं, समय की दुनिया में आपका प्रवेश हो जाता है, और फिर से आप बदलाव के आगे पीछे डोलने लगते हैं, बदलाव आपके आसपास मंडराने लगता है। तो अगर आप टाइमलेस में जाना चाहते हैं तो इस दूरी को कम कीजिए, कॉन्शियसली कम कीजिए। थैंक यू।